नए अंदाज में 2019 कौन जीतेगा की करते हैं शुरुआत। देश की संसद पर राज करने का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी में बीजेपी लगातार उपचुनाव हार रही है। सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी 2014 वाला प्रदर्शन क्या दोहरा पाएगी या फिर नहीं, लेकिन 2014 को रिपीट करने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। 2019 में मोदी को हराने के लिए यूपी में विपक्ष का प्लान अखिलेश प्लस मायावती का है। इसके लिए अखिलेश यादव त्याग और बलिदान देने को भी तैयार हैं। मैं आज कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन रहेगा और अगर दो चार सीटें आगे पीछे भी रहेंगी और त्याग भी करना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग पीछे नहीं हटने वाले। अखिलेश के बयान से ये साफ है कि समाजवादी पार्टी सीटों को लेकर यूपी में रार नहीं करने वाली है। यानी मायावती पहले से ही सम्मानजनक सीटों की जो बात कर रही हैं, उस पर अखिलेश यादव राजी दिखते हैं। अब सीटों का फॉर्मूला क्या होगा पता नहीं, लेकिन अखिलेश का बयान साबित करता है कि मायावती महागठबंधन की बड़ी पार्टनर बन सकती है। अखिलेश यादव जी एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उनको अपने दल का फैसला स्वयं करना है, उसमें ना कांग्रेस ना किसी और राजनीतिक दल का दखलअंदाजी हो सकती। हाँ, एक बात सच है, राष्ट्र हित में मुद्दों के आधार पर यूपी और देश के हित में भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों को समन्वय बनाना पड़ेगा। मोदी योगी का सपना क्लियर है कि गरीबों का कल्याण करना है और पूरी दुनिया भारत माँ के चरणों में नतमस्तक हो, यानी मेरे सीमा भी सुरक्षित रहे और गाँव भी सुरक्षित रहे। सभी को मुझे पक्का मकान देना है, गरीबों को भरपेट भोजन देना है, रहने के लिए छत देना है, अच्छी सड़कें देना है, गैस नहीं तो गैस देना है और लाइट नहीं तो सौभाग्य योजना से उसको 24 घंटा लाइट देना है। बीजेपी इस जोड़ी के सियासी तोड़ के लिए विकास का एजेंडा लेकर चुनाव में जाने की बात कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे बीजेपी भी जातीय गणित का जो गुणा भाग कर रही है वो आने वाले दिनों में महागठबंधन के नेताओं को बेचैन कर सकता है। असल में पिछड़े वर्ग के वोटरों में सेंध लगाने के लिए आरक्षण में बदलाव की तैयारी हो रही है। यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति का गठन किया है जो आबादी और सामाजिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करके सरकार को देगी, जिसमें ओबीसी की सभी जातियों की समान भागीदारी पर फोकस होगा। कहने का मतलब ये है कि जिन पिछड़ी जातियों को आरक्षण का ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा उनके लिए यूपी सरकार ये कोशिश कर रही है। आंकड़ों की माने तो 9% आबादी वाली यादवों की सरकारी नौकरियों में 132% हिस्सेदारी है, 5% आबादी वाली कुर्मी जाति की सरकारी नौकरियों में 242% हिस्सेदारी है, जबकि 14% आबादी वाली 63 जातियों की हिस्सेदारी सिर्फ 77% है। योगी सरकार ने अगर पिछड़ी जातियों में समान हिस्सेदारी की व्यवस्था कर दी तो यादवों का हिस्सा नौकरी में कम हो जाएगा और जो छोटी छोटी अति पिछड़ी जातियां हैं उनका हिस्सा बढ़ जाएगा। बीजेपी का ओबीसी प्लान तो अखिलेश यादव उस मायावती के सामने झुकने जा रहे हैं जिन्होंने 2014 में एक भी सीट हासिल नहीं की थी और मोदी के सामने बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया था। फिलहाल बीजेपी का ओबीसी प्लान अगर कामयाब हुआ तो 2019 के चुनाव में यूपी में महागठबंधन का तोड़ निकल आएगा। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, यहां सबसे ज्यादा 45% आबादी ओबीसी समुदाय की है और यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इसमें से गैर यादव ओबीसी की संख्या 35-36% है। बीजेपी की नजर इसी 35-36% आबादी वाले वोट बैंक पर है। 2014 में गैर यादवों का वोट बीजेपी को एक तरफा मिला था। विधानसभा में बीजेपी ने 130 गैर यादव ओबीसी उम्मीदवार उतारे थे जिसका फायदा भी मिला था और इसी ओबीसी प्लान के तहत बीजेपी राज्य में छोटी छोटी पार्टियों से भी संपर्क में है और इसी का तोड़ निकालने की कोशिशें लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। फिलहाल एक तरफ बीजेपी अपना प्लान तैयार कर रही है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को भी ओबीसी वोट की चिंता सताने लगी है। आज पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी ओर से बीजेपी पर हमला तो किया गया लेकिन ऐसा प्लान उन्होंने नहीं दिया और यह फॉर्मूला नहीं बताया कि ओबीसी के लिए उनके पास ठोस प्लान आगे के लिए भविष्य के लिए आखिर है क्या। और आज ये आपको बांटने में लगे हुए हैं। आज इनका लक्ष्य है कि पूरा का पूरा ओबीसी वर्ग चित्रों में बट जाए, अलग 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 हो जाए कि अपनी मांग नहीं रख पाए। उसमें ना किसान की चलेगी, ना दलित की चलेगी, ना आदिवासी की चलेगी, ना ओबीसी की चलेगी, ना गरीब की चलेगी।
चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे वो ओबीसी हो, अगर वो गरीब हो उसकी भी नहीं चलेगी। वहां सिर्फ 15-20 सबसे अमीर लोगों की चलेगी। राहुल गांधी ने आज पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में बीजेपी और आरएसएस को जमकर कोसा। ओबीसी समाज को लुभाने के लिए यहां तक कहा कि आपका जो हक है वो बीजेपी नहीं देगी बल्कि हम देंगे। आज हिंदुस्तान बीजेपी के 2-3 नेताओं का और आरएसएस का गुलाम बन गया है। हम आपको थोड़ी सी जगह नहीं देंगे, जो आपका हक है वो आपको कांग्रेस पार्टी देगी, और जहां भी आपको हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपको विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में लाना चाहते हैं। पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर तो जमकर निशाना साधा, लेकिन ओबीसी समाज के मुद्दों पर कुछ खास बात नहीं की। सवाल यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस का मुकाबला एक ओबीसी प्रधानमंत्री से होने जा रहा है, ऐसे में बगैर किसी ब्लूप्रिंट के कांग्रेस ओबीसी समाज को कैसे रिझा पाएगी। कैमरामैन सुजीत चमल के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। अब सवाल यह है कि ओबीसी वोट बैंक की चिंता पॉलिटिकल पार्टियों को इतनी क्यों सता रही है। दरअसल 2019 में ये वोट बैंक सत्ता दिलाने की ताकत रखता है, इसी वजह से बीजेपी, कांग्रेस, हर एक पार्टी इन्हें लुभाने में लगी हुई है। कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 2009 में बीजेपी को 21% ओबीसी वोट मिले थे, 2009 का यह आंकड़ा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2014 में 13% की बढ़ोतरी के साथ ये आंकड़ा 34% का हो गया था, यानी कि 2014 में 34%, इसमें भी लोअर ओबीसी वर्ग के वोट बीजेपी को ज्यादा मिले थे, और इसी वजह से बीजेपी अब इनको टारगेट करके रखना चाहती है। जबकि कांग्रेस को 2014 में ओबीसी के सिर्फ 15% ही वोट मिले थे, सिर्फ 15%। बीजेपी यहां पर बाजी मार ले गई थी। उत्तर भारत में नीतीश कुमार, लालू, मुलायम जैसे बड़े ओबीसी नेता नाकाम रह गए थे 2014 में, और यही कारण है कि बीजेपी एक बार फिर से इन्हें टारगेट करने की कोशिश में 2019 के लिहाज से लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के एलजी हाउस में अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। केजरीवाल एलजी से मांगों को लेकर मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, तो वो वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। केजरीवाल की मांग है कि अधिकारियों की हड़ताल खत्म हो और राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी मिले, लेकिन केजरीवाल के मुताबिक एलजी ने इससे इनकार कर दिया है। इसी वजह से धरने की पॉलिटिक्स पर एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उतर आए हैं। मांग पूरी नहीं होने के बाद वो धरने पर बैठ गए हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।